नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फ्यूचर निवेश के बाद बात तो ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा तरीका 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर शो लाइव जा रहा है, अपने क्वेश्चन वहाँ भी लिख भेजिए #askavaz लिखकर। तो ये रहा तरीका पार्टिसिपेट करने का इस शो में। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित से बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट से लेकर आते हैं आज का रीकैप। 6 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज जोश दिखा। लोअर लेवल से रिकवर होकर मार्केट्स बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही तेजी के साथ क्लोज हुए। सेंसेक्स 585 पॉइंट चढ़कर 81,635, तो निफ्टी 217 अंक चढ़कर 25,013 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी खरीदारी दिखी। मेटल्स को छोड़ दे तो सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आज के कारोबार में FIs बिकवाली कर रहे हैं लगातार। क्वांटम थोड़ा कम, 5,729 करोड़ का बिकवाली आज हुई है। वहीं DIs ने आज भी FIs के मुकाबले ज्यादा खरीदा है, वह है 7,000 करोड़ का। तो ये रहे फिलहाल के नंबर्स, लेकिन करना क्या है कल के मार्केट में वो पूछ लेते हैं। बताइए अमित, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट्स पर कल के लिए? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, काफी दिनों बाद आज हमने देयर इज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन द मार्केट, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखी, और मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड लेवल से अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बेस फॉर्मेशन हो रहा मार्केट में। पिछले कुछ दिनों में हमने बैक टू बैक बिकवाली देखी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक पुल बैक ड्यू है यहाँ पे। जिस हिसाब से हमने आज प्राइस एक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा, मुझे लगता है कल बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। बैंक निफ्टी ने, सॉरी, निफ्टी ने लगभग सपोर्ट लिया अपने 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। तो मुझे लगता है अगर हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस 25,900 का भी मेंटेन करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे 25,300 एंड देन 25,500 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। एंड एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न्ड, वहां पे भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में करेक्शन जरूर ज्यादा आया था निफ्टी से, तो हमारे प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट निफ्टी रहेगा। बट बैंक निफ्टी की भी बात करें तो जब तक 50,500 इंटैक्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 51,500 टू 52,000 ऑन निफ्टी बैंक। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए इंडेक्स पर स्ट्रेटजी। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी अमित कल के लिए आपकी? जी, दो स्टॉक्स रहेंगे, एक बोथ ऑन द लॉन्ग साइड, एक फार्मा से डीवीज लैब। डीवीज लैब में आज हमने एक बोलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट देखा, स्टॉक एक रेंज में था और उस रेंज से स्टॉक बाहर आ रहा है, तो इसे बाय करें। डीवीज लैब लगभग 5547 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस रहेगा 5,500 का और टारगेट्स रहेंगे 5,650 के। दूसरा स्टॉक मिड कैप आईडी से कोफोज। कोफोज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया 52-week हाई पे, तो कोफोज बाय करें। स्टॉप लॉस यहाँ लगभग रहेगा आपका 7,200 का और टारगेट्स रहेंगे 7,400 एंड 7,450 तक। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेडिंग स्टॉक्स आपके लिए, जहाँ पे डिवीज लैब एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है और कोफोज दोनों में खरीदारी की सलाह है। 7,400-7,450 के टारगेट्स कोफोज में, डिवीज लैब में आप 5,650 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस की। ओम प्रकाश चड्ढा नई दिल्ली से हमारे साथ हैं। प्रकाश साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, ओम प्रकाश चड्ढा बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे पास मैम है बेल के हैं 200 शेयर, बताइए एट द रेट ऑफ 233 और आइडिया पड़े हैं, आइडिया 1,000 16 रुपए के रेट से, तो क्या करना चाहिए? दोनों में व्यू लॉन्ग टर्म? हाँ जी, लॉन्ग टर्म है जी। ओके, तो आइडिया सेलुलर 16 रुपए की खरीदारी है, भेल 233, दोनों में लंबी अवधि का व्यू, क्या करें अमित? जी, भेल को तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। स्टॉक ने 200 एमा पे एक तरह का डबल बॉटम बनाया है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि रिवर्सल एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज से आया एंड दैट मेड अ डबल बॉटम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तेजी लगता है कि यहाँ पे एक अनफोल्ड होंगे हायर लेवल्स। स्टॉप लॉस आपको लगभग रखना है 255 रुपीज का और इसका जो लास्ट स्विंग लेवल जो कि लगभग 289 के आसपास है, स्लोली एंड स्टेडीली मुझे लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं उस लेवल तक जाएगा, तो भेल होल्ड करें। आइडिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब है, तो वहां पे सलाह यही होगी कि कोई भी बाउंस मिले आपको तो यहां से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं केवी राव से, गुंटूर आंध्र प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राव साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम, मेरे पास लॉरस लैब्स है। हेलो, लॉरस लैब्स कितने स्तर की खरीदारी आपकी, कौन से लेवल की बाइंग है? 575 एवरेज प्राइस है मैडम। छह सौ छब्बीस की या उससे कम लेवल की?
नहीं कम, एक्चुअल में 624 भी लिया था, उसके बाद में भी लिया था, एवरेज किया था 575 हो गया अभी। ओके, तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस 550-650 के आसपास का है, करेक्ट? नहीं, 575 एवरेज प्राइस है मैडम। ओके, अच्छा, तो कुछ क्वांटिटी 575 पर, कुछ 626 पर, लॉरस लैब फिलहाल 440 के आसपास, बताइए हमें सजेशंस। जी, अच्छा खासा लॉस है इनको इनकी पोजीशन में, बट हैविंग सेड दैट स्टॉक ने आज 200 एमा से रिवर्स किया, और अगर वीकली चार्ट भी देखें तो 420 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है इसका। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर खराब है, स्टॉक में कोई अपसाइड अभी फिलहाल तो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, तो बाउंस की वेट करें। लॉस लंबा है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू से वो कब तक कवर हो जाएगा, लेकिन अगर 420 टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट करें, नहीं तो होल्ड करें और आस्ते आस्ते जब काउंटर ऊपर आए तो निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से, हार्दिक हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। हार्दिक नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। हार्दिक, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इन्होंने जो डिटेल्स शेयर की उसके हिसाब से IEXP का क्वेश्चन है, 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए, 212 इनका परचेजिंग प्राइस है। बताइए अमित, क्या सजेशन इनके लिए, इनके भाव से 7 रुपए नीचे फिलहाल स्टॉक। जी, ये स्टॉक आज जिसने सपोर्ट से थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखाया है, लगभग 3% 2.753% के आसपास स्टॉक बढ़ा हुआ था, तो होल्ड करिए अपनी पोजीशन, स्टॉप लॉस रहेगा 197 का, रिबाउंड में इनके प्राइस आ जाएंगे और हो सकता है, आशा करते हैं थोड़े से ऊपर भी जाए प्राइस, तो होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 197। ओके, अजमल है दिल्ली से, अजमल नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी मैम, नमस्कार, मैंने NTPC के NTPC के 50 शेयर्स बाय किए हुए हैं ₹435। ओके, तो मुझे क्वेश्चन था कि मैं होल्ड करूं या इसको सेल कर सकता हूं, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 435 की बाइंग है, 420 पर ट्रेड कर रहे हैं NTPC, ऊपर के लेवल्स पर लिया है इन्होंने, हाल की बाइंग लग रही है, क्या सजेशन रहेगा अमित? जी, होल्ड करने की ही सलाह है, स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे हायर आए हाई लोस बन रहे हैं, स्टॉक ने आज के सत्र में हमने देखा कि 50 डे जो कि एक अच्छा सपोर्ट एरिया ट्रेंड में वहां से रिवर्सल दिखाया, 410 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं श्रीलता से, हैदराबाद से है हमारे साथ कनेक्टेड, श्रीलता गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो मैम, आई हैव परचेज्ड 604 शेयर्स ऑफ IRFC एट द प्राइस ऑफ 148, सो व्हाट शुड आई डू, इट्स बीन 6 मंथ, उसको होल्ड करना है या सेल करना है, थोड़ा सा लॉस ही होगा। ओके, IRFC 149 की बाइंग है, 151-152 पर बंद हुआ, इनके भाव के आसपास ही, क्या करें इस पोजीशन में ही अमित? मैंने इस सेक्टर पे रेगुलरली एक व्यू फॉर्म करके रखा हुआ काफी कुछ शो से कि ये सब थीम बेस्ड सेक्टर्स थे, फॉर द टाइमिंग द बेस्ट इज बिहाइंड, कंटिन्यूसली जो इन्होंने रिसेंट हाईज बनाए थे IRFC में लगभग 230 का, उसके बाद एक बहुत डीप करेक्शन आ गया 150 के आसपास, अभी भी कोई साइन ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छी बात है कि आज के सत्र में 5% बढ़ा हुआ, बट दैट कैन प्रूव टू बी अ डेड पॉइंट बाउंस इन नियर फ्यूचर, तो निकलने की सलाह है, बाउंस आए थोड़ा सा मार्केट ठीक रहेगा मेरे को लगता है आज और कल में, तो बाउंस में थोड़ा बहुत मुनाफा हो तो निकल के एग्जिट करें IRFC से। ओके, बात करते हैं SC गुप्ता से, कोटा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, गुप्ता साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मैडम मेरे पास TCS के हैं, 40 से 330 से TCS में। हेलो, ओके, हाँ TCS के हैं मैडम, TCS का बाइंग प्राइस आपने बताया 3307, इसके अलावा कोई और स्टॉक है? इंफोसिस के हैं मैडम 60 शेयर्स 1410 के। हेलो, 1410 इन्फोसिस, 550 रुपए का फायदा, TCS 3307 की बाइंग है, 40 स्टॉक है अमित, दोनों ही पोजीशंस देखिए और बताइए क्या रणनीति इनकी होनी चाहिए, प्रॉफिट्स लेने हैं या होल्ड रखें? जी, इनका होल्डिंग देख के लग रहा है कि इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दोनों ही चार्ट्स के स्ट्रक्चर बेहतरीन है, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स देखें
तो दोनों ही स्टॉक्स में होल्ड करने की सलाह है. सिंस ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, 4253 TCS का प्राइस है, 4100 पे स्टॉप लगे और अपनी पोजीशन राइट करें. इन्फोसिस लगभग आज के सत्र में आई थिंक 1934 पे ट्रेड कर रहा है, तो उसे भी होल्ड करें. वहां पे भी स्ट्रक्चर ठीक है, 1948 पे ट्रेड कर रहा है. यहाँ पे स्टॉप 1850 का लगा के रखें और इसे होल्ड करें. ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर की. अगला सवाल हम SMS के थ्रू अलविंद ने भेजा है केरला से. अदानी पार पर इनकी क्वेरी है, 630 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स, व्यू है लॉन्ग टर्म का. बताइए अमित, क्या सजेशन रहेगा अदानी पार में 630 की बाइंग के हिसाब से? जी वन सेकेंड यार. जी स्टॉक एग्जैक्टली 200 डेमा पे, मोमेंटम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम होल्ड किया जा सकता है. आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग 620 रुपए का लगा के रखें, 600 इनफैक्ट अपने कॉस्ट पे लगा के रखें, 630 के स्टॉप के साथ पोजीशन को होल्ड करें अडानी पावर को. ओके, अगले कॉलर हमारे साथ राजीव कनेक्टेड हैं. राजीव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने ये HL लिया हुआ है और मेरा हेलो मैंने HL लिया हुआ है 4610 के एवरेज पर, 6070 मेरे पास हैं और ये CNBC के एडवाइस पर ही लिया था. आई थिंक दैट डे को 26,000 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था, तो आप ही के यहाँ पर एडवाइस किया गया था कि इसका टारगेट दिया था 66,200. इनफैक्ट मैंने कल भी तो लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा ना. हाँ मतलब उस वक्त है तो लॉन्ग टर्म का, बट मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहता हूँ. 5-6% कहीं भी 5-10% अगर प्रॉफिट आता है तो मैं सेल करता हूँ उसको. हाँ ठीक है, आपका सवाल ठीक है. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली 6,000 प्लस के टारगेट्स आपको मिले होंगे, लेकिन वो इन लेवल से आप मान के चलिए कि 50% प्लस के टारगेट्स हो गए 50% रिटर्न्स के. 5-6% के रिटर्न्स के लिए अगर आप स्टॉक देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म का व्यू है तो वो स्टॉक ना पिक करें कभी भी जो लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया गया है. बट स्टॉक की क्वालिटी ठीक है, लेवल्स के हिसाब से पूछ लेते हैं अमित का सजेशन क्या रहेगा. अमित बताइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 46 में खरीदा है, 5-6% के रिटर्न देख रहे हैं ताकि एग्जिट कर सकें, बताइए सजेशन. जी इनफैक्ट दीपाली मैम, मैं आपके व्यू से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. वीकली डेली वीकली मंथली चार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो लास्ट में है कि थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है, नथिंग गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन. हैविंग सेड दैट, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, चाहे वीकली देखें मंथली देखें. इनफैक्ट अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्सल आएगा, कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है. तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस रखें 4100 का और इस स्टॉक को होल्ड करने की ही सलाह है. इसका स्ट्रक्चर फिलहाल पॉजिटिव है. चलिए ये सजेशन रहा आपके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर. धीरज कोहली नरसिंहपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं. धीरज जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल. मैम NBC शेयर है मेरे पास 1000, ये 180 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदा हुआ है, इसका क्या नजरिया रहेगा? ओके, पूछ लेते हैं. 180 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स, 115 पर NBCC का स्टॉक कर रहा है कारोबार, बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? अमित 64 रुपए नीचे है इनके भाव से. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टॉक में कोई स्प्लिट आया एक या दो दिन पहले, प्राइस वाज अराउंड 230, तो उस हिसाब से अगर अपना ये लॉस कैलकुलेट करें, लेकिन अगर वही प्राइस का है तो आई थिंक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 108 रुपीस. ओके, चलिए तो ये रहा आपके लिए NBCC. डेफिनेटली जैसे अमित ने कहा, ये आपका लॉस इसमें इतना नहीं होगा. इसमें 1:2 बोनस शेयर की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसकी लास्ट डेट 7 अक्टूबर थी, तो कल वो एडजस्टमेंट दिख रहा था इसमें और इसीलिए ये इतना नीचे ट्रेड कर रहा था. तो एक्स डेट थी कल के सेशन में, जो 1:2 बोनस शेयर के अनाउंसमेंट की गई थी उसी का इम्पैक्ट है. तो इतना लॉस डेफिनेटली नहीं होगा, इनफैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर ही होगी इनकी ये पोजिशन. लेकिन चलिए बात करते हैं हम अगले कॉलर से. अमित बंसल संगरूर पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं. अमित जी नमस्कार, बताइए सवाल. अमित अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए. सवाल ले लेते हैं इनका. इनका क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, 4500 शेयर्स हैं यानी 4500 शेयर्स, 293 की बाइंग है BEL में, इनके भाव से 12-13 रुपए नीचे, क्या सजेशन?
जी होल्ड करने की सलाह है। आज के सत्र में हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक साइन ऑफ रिवर्सल देखा है। स्टॉक अगर 290 के ऊपर जाता है तो एक यहाँ पे अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, तो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 270 रुपीस इस स्टॉक को होल्ड करने की ही सलाह है। संजीव हिमाचल प्रदेश से सवाल पूछने के लिए, संजीव नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। तो मुझे ये जानना है कि अभी और कितना नीचे तक ये जा सकता है, और मेरी बाइंग जो है वो 1560 रुपए पे है, और एवरेज कहाँ पे करना है इसका, और होल्ड में इसको 2 सालों तक रख सकता हूँ, 2 या 3 साल तक, तो एवरेज का पूछना है मुझे, और बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए मेरे को। ओके, चलिए, तो कोचिन शिपयार्ड 2-3 साल रख सकते हैं, 1560 की बाइंग है, 2-3 साल के लिए कैसा लग रहा है पहली चीज। दूसरा, ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जहां पे इनको डेफिनेटली पोजीशन एग्जिट करनी ही करनी है अगर नीचे जाता है, तो क्या सजेशन? यहां पे भी ये एक थीम बेस्ड स्टॉक में फंसे हैं, ऊपर 3000 का प्राइस था, ऑलमोस्ट 1640 तक आ गया है, तो स्टिक स्टॉप लॉस तो मैम यहाँ पे 1500 रुपए का रहेगा, वो अगर लेवल्स टूटते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एवरेजिंग की सलाह नहीं है, घाटे के सौदे में हम कभी एवरेज नहीं करते हैं, इनफैक्ट हम वेट करते हैं, तो क्योंकि अगर और नीचे चला जाएगा तो देन लॉस विल बी मोर, तो होल्ड करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी यहाँ पे कोई साइन ऑफ अपसाइड मोमेंटम नहीं है, टाइम लगेगा, तो होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1500 रुपीज। ओके, अभिषेक कुमार है नई दिल्ली से सवाल पूछने के लिए, अभिषेक नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। अभिषेक, अगर आपको ऑडियो मिल रही तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। कोचिन शिपयार्ड पर ही अगेन इनका क्वेश्चन, 1700 की इनकी बाइंग है, 120 स्टॉक्स है, अभी कोचिन शिपयार्ड पर राय दी ही अमित ने, 1500 को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, तो सेम स्ट्रैटेजी आपके लिए भी रहेगी अभिषेक जी, आप नोट कर लीजिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए अमित सेठ। लेते हैं सोशल मीडिया से कुछ क्वेश्चंस को, पहले रुक करते हैं ट्विटर का। पवन कुंडू एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर, सीडीएसएल पर 220 शेयर हैं सीडीएसएल के 506 के प्राइस पर, क्या करें? जी एकदम मेक और ब्रेक लेवल पे है, 50 डेमा स्टॉक ने क्रैक कर लिया, 1362 का प्राइस है, तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 1350 का रखें, 1350 टूटता है तो एग्जिट कर दें। ओके, एक सवाल और ले लेते हैं, यहाँ ये सवाल हमें भेजा है पिंकू कुमार ने विजय डायग्नोस्टिक्स पर, 377 की बाइंग है, पर स्टॉक 160 शेयर्स है, क्या सजेशन? जी होल्ड करने की सलाह है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगभग रख लें 920 रुपीज तक। ओके, और क्वेश्चंस लेते हैं, और एक सवाल आया है पवन सेठी का फेसबुक पर, IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर इनकी बाइंग 83 रुपीज़ की है, येस बैंक 27 रुपए की बाइंग है, दोनों में क्या करें? जी IDFC बैंक से निकलने की सलाह है, क्योंकि स्टॉक लोअर हाइज बना रहा है, कुछ सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो कोई बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें, एंड येस बैंक में भी सिमिलर सलाह है, क्योंकि स्टॉक अपने क्रूशियल एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर 20 रुपए का लेवल टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, तो बाउंस पे निकलने की कोशिश करो। अभिनव सिंह ने सवाल भेजा है, 3 स्टॉक्स हैं इनके पास, NHPC 30 रुपीस, टाइटन 2200, विप्रो 540, तीनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। जी NHPC 200 डेमा पे है, अगर 87 रुपीस टूटता है तो एग्जिट कर जाए, फिर स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा स्टॉक इन्होंने मेरे ख्याल से टाइटन कहा, टाइटन एग्जैक्टली 200 डेमा एक अच्छे सपोर्ट पे आया है, तो होल्ड करें टाइटन, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 3400 रुपीज का लगा के रखें। एक विप्रो भी है इनके पास, 540 की बाएंगे, और एक टाटा मोटर्स, इन लेवल्स पर एंट्री ले सकते हैं क्या? जी विप्रो वन ऑफ द वीकेस्ट स्ट्रक्चर्स है, अगर इफ ही हैज अ बेटर ऑप्शन तो सलाह ये रहेगी या तो कोफोज, LTIM या Infosys, ऐसे स्टॉक्स में शिफ्ट करें, वहाँ पे रिलेटिव मोमेंटम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्हें बेटर गेन्स मिल सकते हैं। फिलहाल विप्रो में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा वीक है, बट साइडवेज है। और आपने लास्ट कहा टाटा केमिकल्स, आई गेस, सॉरी टाटा मोटर्स, इन लेवल्स पे एंट्री के हिसाब से कैसा लग रहा है?
नहीं, टाटा मोटर्स एंटर करने की सलाह नहीं है, क्योंकि अभी स्टॉक में देयर इज नो साइन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टॉक ने क्रूशियल लेवल तोड़ा था 1000 रुपए का, और उसके बाद एक डाउनवर्ड स्लाइड में है, जबकि बाकी सेक्टर स्टॉक्स ने सेक्टर में थोड़ा बहुत बीच में आउट परफॉर्मेंस दिखाया, तो फॉर द टाइमिंग टाटा मोटर्स को अवॉइड करें। अजेश एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, मैसगांव डॉक इनके पास है 4500 की बाइंग है 60 स्टॉक्स। जी कोई भी बाउंस आए तो निकलने की सलाह है, बिकॉज ये सारे स्टॉक्स कोचिन शिपयार्ड मैसगांव फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि द बेस्ट इज बिहाइंड देम। लोअर लो लोअर हाइज बन रहे, जब तक हायर है हायर लो उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यहाँ पे रहने की सलाह नहीं है, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। नितेश मेहता सवाल भेज रहे हैं, टाटा पावर पर 234 की बाएंगे 80 स्टॉक्स, व्यू लॉन्ग टर्म। जी टाटा पावर का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 430 रुपए के लगभग हम एक स्टॉप रखेंगे और अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। ओके एक सवाल संदीप चोपड़ा भेज रहे हैं, वोडाफोन पर 700 शेयर्स है, लेवल उन्होंने मेंशन नहीं किया, जाना चाहते हैं होल्ड करें या सेल। नहीं, आइडिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं है मैम, कोई भी बाउंस आए तो निकलने की सलाह है। प्रवीण तिवारी का सवाल है, फोर्टिस हेल्थ केयर 650 स्टॉक्स है इनके पास, लेवल इन्होंने मेंशन नहीं किया है किस भाव पे खरीदा है, बट एक टेक्निकल आउटलुक जानना चाहते हैं फोर्टिस पर। जी फोर्टिस हेल्थ केयर का काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हायर है हायर लोस बन रहे हैं, ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो अगर आपकी पोजिशन है तो 575 रुपए का स्टॉप लगा के रखें और पोजिशन को होल्ड करें। ओके चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है फोर्टिस हेल्थ केयर 597 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। चलिए सवाल तो इतने ही लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट अमित आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके चलिए शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कल का बाजार में इतना है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।